चलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, इसलिए इस दिशा में जिनको इन बातों को लगता है वो उन बातों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो संपूर्ण मध्य प्रदेश को सशक्त और क्षमतावान कैसे बनाया जाए उस काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम सब लोग लगे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय श्रद्धेय उमा भारती जी ने, वो एक हमारी वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, उन्होंने पत्र लिख करके इस बात को क्लियर किया है कि हम एक सामाजिक आंदोलन चलाना चाहते हैं और समाज की किसी भी बुराई को कानून बनाकर के खत्म नहीं किया जा सकता, सामाजिक आंदोलन से ही इन चीजों को खत्म किया जा सकता है। आपको ध्यान में हो कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा के दोनों किनारों पर एक एक किलोमीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है? इसका आशय यही है कि हम धीरे धीरे एक सामाजिक आंदोलन और अवेयरनेस लाना चाहते हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुरैना के एक हमारे संत हैं गुर्जर समाज के, वो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से जिस समाज में इसकी बुराई बढ़ रही थी, सामाजिक संत निकलते हैं, मैदान में जाते हैं, घर घर में अभियान लेते हैं और आज मुझे गर्व है कि उस समाज में बड़ी मात्रा में इसके प्रति रोक लगाने का काम उन संत के माध्यम से समाज में हुआ है। तो ऐसी बुराइयों को सामाजिक अभियान के माध्यम से ही, अवेयरनेस के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, कानून बना करके नहीं। एसआईटी कोई रिकमेंडेशन करती है, मुरैना की घटना के बाद एसआईटी ने कोई रिकमेंडेशन किया तो सरकार ने तो नहीं किया ना, सरकार ने, अरे सरकार ने जारी किया है क्या? नहीं, किसान कहां खपा है? किसान बिल्कुल खपा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखें, देश के कोने कोने के अंदर देखें, देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ताकत से खड़ा है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, किसान इन कानूनों के साथ खड़ा है। मुझे बताइए, जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है, आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वर्षों से होती चली आ रही है, लेकिन उसको कानून में दायरे में ला करके लाना वो जो लोग हैं। आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, उसके अंदर किसान है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं किसान नहीं है, लेकिन तथाकथित मुझे बताइए रिहाना का क्या संबंध है आंदोलन से? हुई रिहाना क्या लेना देना इनको किसान आंदोलन से? योगेंद्र यादव जेएनयू के आंदोलन में भी होते हैं, वहां स्टूडेंट बन जाते हैं गमछा डाल करके, उसके बाद फिर जब शाहीन बाग होता है तो भी योगेंद्र यादव होते हैं, और किसानों का आंदोलन हो जाएगा योगेंद्र यादव किसान बनकर के आंदोलन कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतें, इस प्रकार के तत्व देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मोदी जी का नेतृत्व दुनिया के अंदर जिस प्रकार से एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, और भारत विश्वगुरु तो बन गया, आज 150 देश दुनिया के भारत की ओर देख रहे हैं और हमसे वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लेने के लिए आह्वान कर रहे हैं, मतलब भारत विश्वगुरु बन गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये कष्ट है उन लोगों को जो तथाकथित वामपंथी, तथाकथित ऐसे देश विरोधी ताकतें जो देश अस्थिर करना चाहती है। आंदोलन से खालिस्तान का क्या संबंध है किसान आंदोलन से? कनाडा से क्यों ये चीजें चलती हैं? रियाना का क्या संबंध है? अब एक और कोई है वो भी ट्वीट कर रहे हैं, जिनके ट्वीट करने के लिए 6-6 करोड़ रुपए लेते हैं लोग। ये ऐसी ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहती हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने कहा किसानों के सामने, उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा कि मंडी के बाहर, एपीएमसी के बाहर का ये कानून है और उसमें हमने किसानों पर लगने वाले टैक्स को खत्म किया है, और एपीएमसी के अंदर जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकार का काम है, और राज्य सरकार बंगाल भांति क्या कर रही है केरल की, राज्य सरकार पंजाब की क्या कर रही है, उसके बारे में उनको कुछ नहीं कहना है। ये किसान कुल मिलाकर के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास, जैसे यहां पर राहुल गांधी करके चले गए थे, ऐसे ही राहुल गांधी देश के अंदर इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं जो देश का किसान कभी स्वीकार नहीं करेगा। देश का किसान भाजपा और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। ये सब ऐसा है, ये सब ऐसी चीजों को मैं दुर्भाग्यजनक मानता हूं। इन चीजों के बारे में ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो ताकतें हैं, ये एक्सपोज हो रही है, देश की जनता के सामने आ गया ये सब, पर ऐसे लोगों को देश स्वीकार नहीं करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। पेट्रोल डीजल के बारे में बहुत साफ तौर पर
पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी क्लियर किया कि सेस जो बढ़ाया है लेकिन इसका किसी प्रकार से पेट्रोल डीजल के दामों पर किसानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और समय समय पर यह होता रहता है। अभी उस दिन पेट्रोलियम मंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि ये चीजें हम जल्दी ही, आपने कांग्रेस के शासनकाल के पेट्रोल डीजल की कीमतें देखी, लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देगी। आंदोलन कोई भी कर सकता है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन आंदोलन के नाम पर अराजकता करने का कोई प्रयास करेगा तो जो मेरे साथ है मैं उसका भी साथ छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, तब उसमें खालिस्तान नहीं था। और उस समय जो राजनाथ सिंह जी की आप बात कर रहे हैं कि जब राकेश टिकैत होंगे या कोई भी होंगे तो खालिस्तान समर्थक नारे नहीं लग रहे होंगे, खालिस्तान जिंदाबाद के लिए काम नहीं कर रहे होंगे लोग उस समय। लेकिन आज राकेश टिकैत जी के साथ कनाडा से और इस प्रकार के लोग आकर के भारत को स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो ये देश के लिए, देश के जनमानस के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है और हम सब लोगों को इसके लिए जागरूक होने की भी आवश्यकता है। कहाँ अपेक्षा हो रही है, हम सब लोग बैठे तो देख नहीं रहे हैं। मेरे आप देखिए दो लोग तीन तीन पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे सम्माननीय सभी विधायक बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। राकेश जी हमारे सांसद हैं लेकिन देश के चीफ व्हिप हैं। क्या हैं? चीफ व्हिप। कहाँ के हैं? जबलपुर के हैं। कहाँ के हैं? महाकौशल के हैं। तो ये सब बातें मत करो यार। सब सब्सिडी लोगों ने खुद छोड़ी है। देखिए जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है वो अलग बात छोड़ी है भाई, और बाकी गैस कनेक्शन के मामले में तो एक आदर्श देश बन गया है। ये इसका मूल चरित्र है कि कांग्रेस कभी भी देश के लिए जिन्होंने काम किया है उनको भी स्वीकार नहीं करती। रिहाना से लेकर के ऐसे लोग जो देश विरोधी ताकतें हैं, कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, भारत को पहचान दिलाई पूरी दुनिया के अंदर, उनके चित्र पर कालिक होना यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।